गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी छात्र देखें, एक हमको अनुक्रम दिया हुआ है, अनुक्रम जिसके A1, A2, An ये पद हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि A1 आपका प्रथम पद, R यह है कि नेक्स्ट पद से प्रीवियस पद का डिवाइड करने पे यह मान आता, एक स्थिर रहता है, इसको हम सर्वानुपात बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से होगी? गुणोत्तर श्रेणी में a, a r, a r square, a r n-1, तो ए क्या है आपका प्रथम पद, ठीक है, ये कौन सा पद है सेकंड टर्म, और ये थर्ड, और इसी प्रकार से ये nth टर्म। तो हम देखते हैं कि n टर्म का व्यापक सूत्र क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन, इसको क्या बोलते हैं nवां पद। क्लियर? तो हम यहां पर देखते हैं कि परिमित और अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। परिमित गुणोत्तर श्रेणी, तो परिमित गुणोत्तर श्रेणी में ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डेट एस ए आर, इसमें संख्याएं जो है पदों की संख्या सीमित होती है, पदों की संख्या क्लियर। इसके बाद अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको लास्ट में डेड डैश करके छोड़ देते हैं। तो इसमें पदों की संख्या कैसी होती है? असीमित होती है। क्लियर? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका फार्मूला है, इसको नोट कर ले सभी छात्र। यह फार्मूला होता है कि यदि हमको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है, तो हमने इसको योग किया और इसमें इस तरह से कैलकुलेशन करके हम यह फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको आप पूरा देख लें और ये फार्मूला नोट कर लें, ठीक है। यदि आर का मान एक से कम है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और आर का मान यदि एक से ज्यादा है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये दो अलग अलग केस के मान है, तो इसको नोट कर ले ध्यान से, इनका हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे।
गोत्र माध्य। हम देखते हैं कि ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य, इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसका मान होगा रूट ए इंटू बी। क्लियर। अब यदि मान लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याएं दी हैं ए और दूसरी संख्या दी बी, उसके बीच में ज्यादा गुणोत्तर मात्र ले यूज कर रहे हैं, जैसे जी वन, जी टू और जी एन, तो इनके मान कैसे ज्ञात करना है ये आपको इन फार्मूले के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे जब हमको एक से ज्यादा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, तो इनको आप नोट कर लें, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। तो समांतर मान लो ए और बी के बीच के समांतर माध्य को ए से नोट करते हैं, मान लो दो संख्याएं दी है ए और बी, तो यहां ए क्या है, समांतर माध्य, और ए और बी के बीच में यदि जी गुणोत्तर माध्य है तो जी यहां पर क्या है, जी एम है ना, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो ए और जी के बीच में संबंध, तो ए का मान यहां पर ए कितना होगा, ए इक्वल टू होगा ए प्लस बी अपॉन टू, और जी इक्वल हो जाएगा रूट ए बी। तो हम यहां देखते हैं कि ए का मान है होता है ए प्लस बी अपॉन टू और जी इक्वल टू रूट ए बी, तो इनके बीच में संबंध देखते हैं कि हमने ए में से जी को सब्ट्रैक्ट किया तो यह पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ए माइनस जी ग्रेटर और इक्वल जीरो, दिस इंप्लाई ए इज ग्रेटर और इक्वल जी। इसका मतलब क्या होता है, ए का मान जी से बड़ा होता है, ठीक। क्लियर। अब हम प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वन। इसमें हमको गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, इसका 20वां और n-वां पद ज्ञात करना है, तो यहां पर प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया है 5/2, और सार्वानुपात सार्वानुपात को हम किससे डिनोट करते हैं, r से, तो इसका मान हो जाएगा सेकंड पद में से फर्स्ट पद को भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 अपॉन 5/2, तो 5/4 और 2/5, तो 5/5 कैंसिल हो गए, इसका मान आ जाएगा 1/2। अब हमको 20वां पद चाहिए, तो कितना हो जाएगा ए आर 20-1, तो ए की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/2 और आर की वैल्यू है 1/2 की पावर 19। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हमको एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस वन, तो ए की वैल्यू है आपकी 5/2 और आर की वैल्यू है 1/2 की पावर एन माइनस वन, ये आपका आंसर है। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में यह देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, यदि 8वां पद
आठवां पद मतलब क्या हो जाएगा, टी एट इक्वल टू ए आर एट माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा ए आर पावर आर की पावर सेवन, और आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहां पर, तो इसका मान दिया हुआ है 192, और यहां आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसमें आप मान रख देंगे, तो ए आर इक्वल टू 2, 2 की पावर 7 इक्वल टू 192, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो हो जाएगा आपका ए इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 की पावर 3, 3 6 एंड 7 इक्वल टू 192, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 192 अपॉन 64 इंटू 2, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 9 और 6 इसके 4 से डिवाइड करेंगे, और ये 4 से जाएगा 24, फिर 4 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब हमको क्या चाहिए, हमको 12 पद चाहिए, तो टी 12 कितना हो जाएगा, a r 12 माइनस 1, तो a की वैल्यू रख दीजिए, a कितना है 3/2, और r कितना है, r कितना दिया हुआ 2 की पावर 11, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, ओके, थैंक यू।